दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों को समझ नई जानकारी लेकर के। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बार बार यही पूछा है कि हमने जो फार्म फिलअप किया है 5,000, 2,500, 2,000, 3,000, मतलब 5,000 से नीचे वाले का जब बार बार लोग यही कहते हैं, चैनल पर भी बताया जाता है कि पैसा चालू हो गया और सेबी के जो पोर्टल है उस पर भी बताया जाता है पैसा देना स्टार्ट हो गया और इतने लोगों को पैसा हम दे चुके। जब सेबी इस बात को कहती है तब हमने अपने चैनल पे देखा कि लोग बार बार यही पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हमने 5,000 का जो आवेदन किया था, सही फार्म भरा था, फिर भी पैसा हमारा नहीं आया। इसी पर बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों, जो पहली बार चैनल पर न्यूज़ देख रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि उन्हें लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज आते हैं दोस्तों अपने न्यूज़ पर। दोस्तों बहुत से लोगों ने बताया हमने फार्म अच्छी तरीके से फिलअप करवाया है, किसी प्रकार की गलती नहीं की है, जैसा उसमें बताया गया था फार्म भरने के लिए उसी प्रकार फार्म भरा था, कोई गलती नहीं की थी, हमारे स्पष्ट बॉन्ड जो बॉन्ड की कॉपी थी उसको स्पष्ट बढ़िया अच्छी तरीके से डाउनलोड किया था और सारे अक्षर उसमें दिख रहे थे दोस्तों, और जो रसीदें थी हमने अच्छी तरह से अपलोड किया है, किसी प्रकार की उसमें गलती नहीं की, बताए हुए नियम का फॉलो किया था और अच्छी तरीके से फार्म फिलअप किया, फिर भी हमारा पैसा नहीं आया, ऐसा लोगों ने बताया। फिर भी सेबी ये बता रही है, यह हाँ मतलब कि ये कहकर हाँ झिड़क रही है कि हमने इतने लोगों को पैसा दे दिया, अब जो बचे हैं 5,000 से नीचे वाले वो ही लोग बचे हैं जिनमें त्रुटियां हैं। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि सारे के सारे फार्म 5,000 से नीचे वाले गलत हो गए, सभी फार्म गलत हो गए, शंका उठती है दोस्तों ऐसा नहीं हुआ होगा, सारे फार्म गलत नहीं हुए हैं, जानबूझकर से भी पैसा नहीं दे रही है। जैसा कि हम खुद चैनल चलाते हैं और हमने भी फार्म फिलअप किए थे, बहुत सारे फार्म फिलअप करवाए और किए भी, और उसमें से बहुत ही कम लोगों के पैसे आए हैं, सच में सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, उसमें बहुत ही कम लोगों के पैसे आए हैं, जो अपने हाथ से किया है वो अच्छी तरीके से सही सही फार्म फिलअप किया है, किसी प्रकार की गलती नहीं की है दोस्तों। हाँ सही में बहुत ही कम लोगों के पैसे आए हैं और सेबी पैसा नहीं भेजते, झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है और उसने पैसे नहीं भेजे हैं, जो सही फार्म है भरे हुए हैं फिर भी उनके पैसे नहीं भेजे हैं, ये झूठ बोल रही है दोस्तों। दोस्तों अगर इसे सही से काम करना होता तो हम तो रिक्वेस्ट बार बार अपने चैनल पर करते हैं और सेबी वाले से कहना भी चाहते हैं कि ये सेबी वाले आप लोग जो सेबी के अधिकारी अगर हमारा वीडियो देखें तो हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो सारी रसीदों की मांग करते हैं, पहला नंबर तो रसीदें ना मांगे, केवल वो मांगे बांड, केवल बांड मांगे और बांड के साथ साथ जो बैंक अकाउंट मांग लें और आधार कार्ड मतलब कि कंपलसरी पैन कार्ड को कंपलसरी ना करके जो है कि आधार कार्ड मांगे, पहचान पत्र मांगे, ड्राइविंग लाइसेंस मांगे, इस प्रकार के ऑप्शनल करके के मांग लें और सारे लोगों को पैसा दे दें। लेकिन सेबी इतनी धड़ल्ले से बेमानी पे उतर आई है, ये जो है कि पैसा नहीं देना चाहती, इस नाते सारे ऑप्शन लगा रही है और सारी बारीकी से कागजों को वेरिफिकेशन में लगी हुई है और जरा सा मिस्टेक होने पर पैसा नहीं दे। अगर इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार पीएसएल को पैसा देना होता जिस प्रकार से सेबी दे रही है,
अगर इसी प्रकार से पीएसएल को देना होता तो ये 2014-15 में ही दे चुकी होती, जिस प्रकार से सेबी दे रही है। इस प्रकार से पीएसएल को अगर देना होता तो बहुत पहले पैसा दे चुकी होती। ये जो 60,000 करोड़ का मामला जो फंस रहा है, ये मुश्किल से 1,000 ही करोड़ में निपटा देती। तो दोस्तों, बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये बेईमानी करेगी तो ये कम, बहुत कम ही पैसे में लोगों को निपटारा कर देगी, और यहाँ ये कहकर हाथ लग देगी कि हमने सभी लोगों को, जो लीगल लोग थे, जो जिसके नाम सही पाए गए, जिसके मतलब कि सब कागजात मुहैया कराए सेबी को और अच्छी तरीके से प्रमाणित हो, वेरिफिकेशन हो चुका है और सही पाए गए, हम लोगों को पैसा दे दिया, और बाकी वो लोग हैं जिनका पीएसएल में पैसा जमा ही नहीं है, वो अपन सही कागज नहीं दे पाए इसलिए हमने उनको पैसा नहीं दिया, ऐसा कहेगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों, बात ये उठना चाहिए, चाहे संसद के माध्यम से, चाहे किसी भी तरीके से, हमारा पैसा पूरा मिलना चाहिए, इस नाते मिलना चाहिए। अगर हमारा पैसा, पैसे के देने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट को इस तरह वेरिफिकेशन किया जाएगा, और क्योंकि लेते समय हमारे कागज बहुत गलत तरीके से वहां पर डाले गए थे, उल्टा सीधा एजेंटों ने नाम डाल दिया, उल्टा सीधा फोटो लगा दिया, और उल्टा सीधा मतलब सब काम उल्टा सीधा हुआ है दोस्तों। पैसा लेते समय पीएसएल जब पैसा लेती थी, अगर उनके पास, एजेंट के पास फोटो भी नहीं था, तब वो पीएसएल पैसा ले लेती थी। नाम गलत होता था तब भी वो पैसा ले लेती थी, आईडी में नाम कुछ दूसरा है, और फार्म जमा करते समय जब पीएसएल में हमने पैसा जमा करवाया तब की बात करते हैं दोस्तों, कुछ गलत है तब भी पीएसएल पैसा ले लेती थी। इस बात का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता संसद में कि पीएसएल गलत तरीके से पैसा वसूल करती थी, तो देते समय इतनी बारीकी से जाँच होगी तो किसी को पैसा मिल ही नहीं पाएगा, सारा पैसा सेबी के पास बचा रहेगा। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि जब भी कोई मुद्दा किसी भी तरीके से उठे, तब ये उठना चाहिए, बहुत बारीकी के साथ उठना चाहिए कि हम लोगों का पैसा गलत तरीके से, गलत फार्म फिलअप करके, सारे पैसे गलत नाम से, गलत मतलब कि एड्रेस प्रूफ से जमा होते रहे हैं, तो और जब देने की बारी आई, इतनी बारीकी से जांच होगी तो किसी को पैसा मिल नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरत है दोस्तों कि जो फार्म फिलअप गए हैं, इतनी बारीकी से जांच ना हो, और इतने डॉक्यूमेंट ना मांगे जाएं, इतने रसीदें ना मांगी जाएं, और केवल बांड से और ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड और ऑप्शनल करके आधार कार्ड, इसी प्रकार करके आप कागज़ मांगे, जब दोबारा पोर्टल खुले तो इसी प्रकार कागज़ मांगे। हमारा यही रिक्वेस्ट है सेबी से दोस्तों, चैनल के माध्यम से, और लोगों का भी यही कहना है दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा दोस्तों। दोस्तों, हम बार बार ही अपील करते हैं उन लोगों से जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो पीएसएल का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अगेनेस्ट हैं, काम कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस बात को उठाते क्यों नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है, और सार्वजनिक करें, प्रत्येक एप्लीकेशन जिनके पास बांड है उसका जो है कि पारदर्शिता दिखाए सेबी अपने साइट पर, कि प्रत्येक एप्लीकेशन, प्रत्येक बांड जो लोगों के पास जमा है, सभी बांड का ओपिनियन करे कि हाँ, इस एप्लीकेशन का इतना पैसा है सेबी के पास, इस एप्लीकेशन का इतना पैसा सेबी के पास है, तो इस प्रकार करना चाहिए। लोगों के पास कितनी रसीदें हैं, कितनी नहीं है, इस बात को गौर क्यों कर रही है? क्या सेबी के पास डाटा नहीं है? अगर डाटा नहीं है तो इसका भी स्पष्टीकरण दे कि हमारे पास पीएसएल का कोई डाटा नहीं है, जिस आधार पर पीएसएल के लोग हमें रसीदें मुहैया कराएंगे, वो सही तरीके से फार्म फिलअप करके देंगे, तभी हम पैसा देंगे, अन्यथा हम पैसा नहीं देंगे। दोस्तों, इस प्रकार से बेईमानी करेगी, अगर वो बार बार कह रही लोगों ने गलत फार्म फिलअप किया,
इसलिए हम पैसा नहीं देते। दोस्तों हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सेबी से, लोढ़ा कमेटी से, सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब भी फार्म फिलअप करने की बारी आए तो पोर्टल पे ना करवाए तो कुछ ऐसे लोगों को जो एक्सपर्ट हों नेट चलाने में, कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट हों, ऐसे लोग जो गलतियाँ ना करें, ऐसे चुनिंदा लोगों को या तो तैयार करके जगह जगह गांव तहसील लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोगों को। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्त? मैं हूं आपका दोस्त राजेश मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य लाइव टच। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं PSL की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन PSL निवेशकों के लिए जिनका अभी तक भुगतान नहीं मिला। बाकी लगभग सभी PSL निवेशकों का अभी तक भुगतान नहीं मिला है और ये वीडियो सभी PSL निवेशकों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम अपनी बात रखेंगे और आप लोगों की समझ में और आप लोगों की भी बात इसी में होगी। तो दोस्तों, बात हम करने वाले हैं PSL में जो हो रही आनाकानी में, जो हम लोगों को पैसा के मामले में बहुत सारी गलतियां से भी हम लोगों के साथ कर रही है, गलत कर रही है, हम लोगों को जो पैसा लेकर के बैठी हुई है और हम लोगों को दे नहीं रही है, उस मामले में हम लोग बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है। हम लोग इसका वजह जानने की पूरी कोशिश करेंगे तो कौन कौन से सवाल उठाने चाहिए कि जिससे हम लोगों को PSL निवेशकों का पैसा मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल पहली बार आए हैं मौर्य लाइव टच पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आए हुए बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोगों को अपडेट PSL के बारे में आपको डेली मिलती रहेगी। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, बात यहाँ पर यह है कि जो PSL का जो पैसा है सेबी के पास, और यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वही रिकॉर्ड कंपनी के पास भी अवेलेबल होता है, किसी भी कंपनी का हो, अगर कोई भी कंपनी है, अगर वो हमको कुछ दे रही है तो जो हमसे डाटा ले रही है वो डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल रहता है, तो क्या PSL कंपनी के पास वो डाटा नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उसने मेरे को, मान लीजिए मैं बाइक लेने गया, तो जो मैं डॉक्यूमेंट अपने पास रखता हूँ वो डॉक्यूमेंट उस बाइक वाले कंपनी के पास भी रहता है, अगर कोई समस्या होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो कंपनी को अपने को सही साबित करने के लिए वो डॉक्यूमेंट कंपनी को दिखा सकती है जिसको दिखाना होता है। जी हाँ दोस्तों, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी PSL का जो डाटा है पूरा, PSL निवेशकों का पूरा जो डाटा है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनके बॉन्ड्स हैं, रसीदें हैं, वो सब कंपनी के पास अवेलेबल रहती है। अगर अब मान लीजिए जो पैसा लेने का टाइम था तो उसको किसी चीज़ की आवश्यकता की मतलब नहीं थी, यानी किसी चीज़ की आवश्यकता थी ही नहीं, अब जब हम लोगों का पैसा देने का टाइम आया तो वो न जाने क्या क्या मांग रही है। सेबी को ऐसा करना चाहिए था, मान लीजिए कि हम लोगों को आवेदन करते समय, सबसे आसान तरीका था कि आवेदन करते समय आप लोग अपना बॉन्ड लगाइए और पहली रसीद लगाइए और आपके पास जो है वो लास्ट रसीद लगा दीजिए। ये तो था सरल तरीका फिर भी, लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए था सेबी को, ये भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कंपनी के पास सारे डाटा अवेलेबल हैं, उससे ही हम लोगों को पैसा वापस करे। कि कोई भी कंपनी आज तक कि हम लोगों ने देखा है कि आज तक कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसने पैसा देने के टाइम हो तो उसने अपनी रसीद मांगी हो, कोई कंपनी हो तो नाम आप लोग खुद बताइए, ऐसे कंपनी नहीं है ना। अगर है तो मुझको कमेंट करके बताइए तो मैं भी जानूँ कि भाई कौन सी कंपनी है जो कि पैसा देने के वक्त रसीदें मांगती है, बांड मांगती है, क्योंकि जो कंपनियां लीगल काम करती हैं
से क्योंकि यहाँ पर सेबी बहुत सारा पैसा लेकर भागना चाहती है। हम पीएसएल निवेशकों का पैसा नहीं देना चाहती। सबसे बड़ा सवाल यही हमारे मन में उठ रहा है क्योंकि यहाँ पर सेबी चोरी का काम कर रहा है। क्योंकि हमने उसको पैसा क्यों नहीं दे रहा है, इसका रीजन बताए वो। क्या सभी निवेशक ने आवेदन गलत किया है? क्या आवेदन करते समय सभी निवेशक ने गलतियाँ की है? ऐसा तो कोई भी निवेशक होगा जिसका सही होगा। 100% में से 100% ही सब ऐसे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये यहाँ पे बहुत बड़ी हम पीएसएल निवेशकों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है जी दोस्तों। ये नाइंसाफ़ी क्या सरकार को नहीं दिख रही है? राजनेताओं को नहीं दिख रही है? इन सभी को वोट के टाइम जब इनको मतलब होता है तब हम पीएसएल निवेशकों के पास आते हैं, तब इनको ज़रूरत होती है। क्या अब इनको ज़रूरत हमारी नहीं है दोस्तों? बहुत बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इन जब राजनेताओं को जब वोट की इनको मतलब होती है तब ये जनता के पास आते हैं। अगर जब तक इनको जनता की ज़रूरत होती है तब उनके पास आएंगे, उनसे हाथ जोड़ेंगे, गोड़ जोड़ेंगे, जो भी जोड़ना हो जितना हो सके कि ये वो करेंगे। लेकिन जब अब जनता को ज़रूरत है इन राजनेताओं की तब वो हाथ हिलाकर चल देते हैं कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। ये कैसा है देश है? यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों किसी को कुछ नहीं कहता? क्यों जनता ही कोई मदद नहीं करना चाहता है? रीजन बताए। सेबी भी आराम से पैसा नहीं देना चाहती, वो भी बैठी है। लोढ़ा कमेटी है, वो भी पूरा डाटा नहीं दे रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं आपस में? हम पीएसएल ने उसको का पैसा ही तो खा रहे हैं, या फिर देना ही नहीं चाहते। लेकिन इनको पैसा देना होगा, ये नहीं कि अब हमें आपको इतना पैसा दे दिए, इतना देने के बाद मैं आपको पैसा पूरा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको पूरा पैसा देना ही होगा। पैसा हम लोग निकालना जानते हैं, पैसा आप लोगों से निकलवा कर ही रहेंगे, बशर्ते ये है कि आप लोग आसानी से दे दें कि ज़्यादा कुछ हम लोग करें ना। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों को इनकी औकात दिखाने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया था कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था को जो 3 तारीख को सेबी ने अपनी साइट पे एक न्यूज़ दिया था, तो मैंने आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि लगभग 5,000 के आसपास जो 5,000 के आसपास जो भुगतान हुए थे उनमें से बहुत से निवेशकों का भुगतान कर दिया गया है 5,000 के आसपास। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे हम उस निवेशक का नाम बताइए जिसका पूरा का पूरा पैसा आया हो। मान लीजिए उसने 5,000 जमा किया था तो 5,000 उसका आया हो, क्योंकि सेबी ने खुल के बोल दिया कि 5,000 वाले निवेशकों का भुगतान पूरा कर दिया गया है और बाकी जिन निवेशकों का भुगतान नहीं हुआ है उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की है। तो मैं दोस्तों यही जानना चाहता हूँ कि सभी निवेशक गलतियाँ कैसे कर सकते हैं? गलती 1 से होगी, 2 से होगी, 10 से होगी, 100 में से मान लीजिए 20 की होगी, 80 यानी कि 100 में 100 तो नहीं होगी। तो वही दोस्त मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो सेबी चोरी कर रहा है हम लोगों के साथ, ये कर ना पाए, हमारा पैसा मुझको दे। तो दोस्तों यहाँ पर बात मैं यही बता रहा हूँ कि जो 5,000 वाले हैं, जो 5,000 से के आसपास जो उन्होंने भुगतान किया है उनका किया है, तो लेकिन कैसे किया है? 5,000 जिनका था उनका भी तुमने 200 रुपये दिए हैं, 150 रुपये दिए हैं, ये कैसा हो सकता है? क्या उन्होंने पूरी रसीदें आप लोग को अपलोड नहीं किया था? तुमने तो उससे भी अपलोड कर दिया कि ये गलतियाँ की है, वो गलतियाँ की हैं, रसीदें सही नहीं हैं, बॉन्ड सही नहीं है, तो उसमें सही क्या है? या फिर आप लोग पहले उसको बता देना चाहिए था कि आपको भुगतान लेते समय आपको इन सारी रसीदों को हमको देना होगा। आपने ऐसा पहले बताया नहीं, ना बाद में कोई चेतावनी दी। तो ऐसा या तो आप पहले ही बता देते
तब हम लोग रसीदे रखते आराम से उसको संभाल के रखते, जिससे क्योंकि अब हमको पैसे लेना है इसलिए हम रसीद संभाल के रखेंगे, ऐसा हो सकता था। लेकिन आपने ऐसा कुछ बताया नहीं, तो हम लोग रसीद कैसे रखेंगे? ये यहाँ पर भी बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। आप हमारा पैसा पूरा विधिवत दीजिए, कोई भी तरीका अपनाएं, कोई भी कुछ करें, लेकिन ऐसा भी करें कि ये हम पेंशन निवेशकों को आवेदन करने में आसानी हो और हम अपना पैसा आसानी से ले सकें, कुछ भी करें। दोस्तों, एक बार हम फिर समझे? उपस्थित हुए तो हैं यहाँ पर हम आप लोगों को लोगों के बात यहाँ समक्ष पर नई ये आ गई जानकारी कि लेकर दो लेकर के दोस्तों जो जिन निवेशकों का दोस्तों आज हम आवेदन जानकारी पूरी देना तरह से चाहते हैं कंप्लीट हुआ था, उनका भी पैसा कि नहीं दिया आपने। पीएसएल के निवेशक मान और लीजिए हमने एजेंट जो गलती की, चलिए इस मैंने समय गलती की क्या थी, करने वाले हैं तो यहाँ पर और उन क्या सभी कर रहे कंपनियों हैं दोस्तों। को भी आपने भारतीय लपेट लोक रखा है, सेवा बहुत सारी जो चिटफंड दल कंपनियां के उनसे भी राष्ट्रीय सचिव अमित यही गर्ग बात की आ जाती अध्यक्षता है। में और किसी आगे बात कंपनी में करेंगे ऐसा नहीं दोस्तों। हुआ कि इससे पहले उसने हम आवेदन करते चाहेंगे समय दोस्तों जो ये पहली बताया हो बार कि आप चैनल पर अपनी न्हीं देख रसीदें रहे संभाल हैं, रखें, उनसे रिक्वेस्ट मैं है चैनल भुगतान को करते समय सब्सक्राइब आपसे कर रसीदें लें लूँगा। और साथ में बेल आइकन घंटी और को दबा दें ताकि और उन्हें बहुत लेटेस्ट सारी न्यूज़ मिलती रहे कंपनियां और पहले से हैं, मैं नाम सब्सक्राइब नहीं किए बताऊंगा, हुए बहुत सारी हमारे कंपनियां हैं जिन्होंने सब्सक्राइबर भाइयों अपने को भुगतान करते बहुत समय बहुत धन्यवाद किसी से ये दोस्तों। कुछ नहीं मांगा कि रसीदें दोस्तों दीजिए, उन्होंने जैसा कि सीधा हम बॉन्ड पिछले मांगा वीडियो जो भी अपना में हो, जो बता उन्होंने पहले चुके बताया हैं था कि कि इसकी फॉर्म दानगढ़ या जी कॉपी लगेगी जो या फिर कुछ भारतीय होगा, लोक सेवा दल बस के लीगल हैं डॉक्यूमेंट मांगा और उसके बाद उनका भुगतान पूरा हो गया। तो ये सब और सेबी को भी करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सेबी अध्यक्ष को हैं करना चाहिए और सेबी इस पर करे तभी उसका और नाम होगा, नहीं तो सेबी एकदम द जीरो न्यूज पीएसएन बदनाम हो मैटर जाएगी। जो हो सकेगा दोनों सेबी के दोनों लोगों के का बीच क्या में बताया जो जाए सेबी वार्ता को, हुई है उनके बारे सेबी में के लिए हम बात जितने कर भी चुके हैं। उन्होंने आपशब्द स्पष्ट कर हैं वो दिया सब यूज हो कि सकते हैं, लेकिन मैं यूज नहीं आप भी करूँगा। पैसा तो दिलाने का काम कर रहे हैं, दोस्तों हम इस भी वीडियो में पैसा हमें आप लोगों को बुद्धि दिलाने की जानकारी बात दी कर है। रहे हैं, अगर काम आप कर लोगों को रहे हैं, कोई भी पैसा और भी जल्दी सवाल लोट है का या मिल फिर जाए, और भी कुछ जानकारी चाहिए मतलब तो कि आप लोग मंजिल कमेंट एक बॉक्स में है, बताइए, जिससे रास्ते मैं भले ही अलग आप अलग लोगों तक हों वो इस इन्फॉर्मेशन के बारे और में इन्फॉर्मेशन दे दोनों सकूँ। का मकसद, आपका तो मकसद, दोस्तों आज के हमारा वीडियो में हम मकसद है लोग लोगों का इतना पैसा जल्दी मिल जानकारी जाए। बातें की तब जीरो हैं चैनल आपस वाले ने में, कहा कि तो हम पैसा अगर नेक्स्ट दिला वीडियो नहीं में रहे भी आप हैं, कुछ बातें करूँगा आप केवल लोगों से जो बहुत रास्ता ही बता रहे हैं बड़े मुद्दे पर बात जो बातें होगी। हुई हैं दोस्तों तो हमने दोस्त बताया, जिन लेकिन दोस्तों हमारे आज चैनल हम को ये सब्सक्राइब बताना कर लिया चाहते हमको हैं दोस्तों, बहुत दोस्तों बहुत धन्यवाद। तो आप चैनल के लोग जाने माध्यम से पहले मैं इस से चैनल के कि बाद फिर अब क्या सब्सक्राइब कर प्रोसेस लीजिएगा, चल जी रहा है अगर आप लोगों ने दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर प्रोसेस चल करिएगा रहा है और आगे से अमित आगे शेयर गर्ग करिए ताकि हर निवेशक के जो पास ये कि इन्फॉर्मेशन पहुँच राष्ट्रीय जाए। सचिव थैंक्स हैं आप सभी का इस वीडियो को देखने के भारतीय लिए। लोक सेवा दल के।